विभिन्न प्रकार की औषधियों का उत्पादन कर रही है और हमारे समाज सेवा में तत्पर है। आइए आज आपकी मुलाकात एक जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज शर्मा से करवाते हैं, जो कि हमें रोगों की चिकित्सा के बारे में और उनके निदानों के बारे में बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। आजकल डॉक्टर, किडनी में पक्षी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इसका क्या कारण है? जैसा कि बताया आपने, गुर्दे की समस्या कि बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सत्य कह रही हैं आप। हम लोगों का जो खान पान है, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत वर्ष जो एक बहुत ही हॉट कंट्री है, गर्म देश है, जिसमें कि गर्मी का जो पीरियड है वो सर्दियों के पीरियड से ज़्यादा रहता है। तो ये एक सबसे प्रमुख कारण है कि भारतवर्ष में, और स्पेशली जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, उसमें जो गुर्दे की पथरी, जिसको हम किडनी स्टोन के नाम से भी जानते हैं, वो ज़्यादातर होती है। गर्म देश में हमें पसीना ज़्यादा आता है, और एक्चुअली हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इसकी वजह से पसीना ज़्यादा आने की वजह से पेशाब जो है उसमें जो सॉल्यूट्स जो हमारे शरीर से जो निकलते हैं, जिसमें प्रमुख कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, इनके जो आगे कंपाउंड है जैसे मैग्नीशियम फॉस्फेट है या ऑक्सलेट कंपाउंड, ये सारे पेशाब में घुस के अदरवाइज तो निकल जाते हैं, यदि किसी ठंडे कंट्री में। भारतवर्ष में वो जो हमारा जो पेशाब है उसमें ये निकल नहीं पाते, और उसका कारण क्या होता है कि ये जो पथरियाँ होती हैं किडनी के फिर और भी जैसे यूरेटर है, आपका मूत्राशय जिसको हम यूरेज ब्लैडर कहते हैं, उनमें ये सॉल्ट जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और उसका उसी वजह से पथरियों का जो निर्माण होता है। डॉक्टर साहब, किडनी में पथरी की समस्या किस तरह के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? हाँ, मतलब वैसे तो प्रमुखता मेल में ज़्यादा ये पाई जाती है, ऐसा कोई भी उम्र या कोई भी इसमें अछूत नहीं है, बच्चों में भी देखी जाती है, और ऐसा नहीं कि फीमेल में नहीं होती, फीमेल में होती है। जिन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उसके खाने में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, या ऐसे लोग जो कि कैल्शियम का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रयोग है, या कुछ ऐसी बीमारियाँ स्पेशली जैसे हाइपर थायरॉयडिज्म या गिली सर्फेस जिससे ज़्यादा बनता हो, जैसे गाउट, आपको पता है गाउट बीमारी है, उनमें रक्त में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, और उसका कारण है कि कैल्शियम अगर रक्त में ज़्यादा है तो नेचुरली वो पेशाब में भी बाहर की तरह निकलेगा, तो उसमें ज़्यादा आएगा, तो उसी वजह से वो कैल्शियम का जो डिपोजिशन है हमारे पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में, किडनी यूरेटर, यूरेटर का तो डिपोजिशन नहीं होता, बट किडनी और किडनी के जो